नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल की पहल पर कोचिंग सिटी कोटा को कैटल फ्री शहर बनाने और पशुपालकों के जीवन स्तर में अमूलचूल परिवर्तन करने वाली देवनारायण आवासीय योजना में पशुपालकों के गृह प्रवेश की वो शुभ घड़ी आ गई है जिसका इंतजार शहर वासियों के साथ पशुपालकों को भी बेसब्री से था जी। हाँ, 21 मई को UDH मंत्री शांति धारीवाल की मौजूदगी में कोटा नगर विकास न्यास देवनारायण आवासीय योजना में पशुपालकों के गृह प्रवेश शुभारंभ करने जा रहा है। पहले फेज में कोटा दक्षिण क्षेत्र के पशुपालकों को देवनारायण आवासीय योजना में शिफ्ट किया जाएगा। शिफ्टिंग की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। 21 मई को देवनारायण आवासीय योजना में गृह प्रवेश समारोह आयोजित किया जाएगा जिसमें पशुपालकों को उनके आवासों की चाबियां कब्जा पत्र सौंपा जाएगा। समारोह में जनप्रतिनिधि प्रशासनिक अधिकारी एवं बड़ी संख्या में आवासीय योजना से लाभान्वित हुए पशुपालक व उनके परिवार के सदस्य मौजूद रहेंगे। जी सर, सौगात मिलने जा रही है, बड़ी अनूठी योजना है और तैयार हो चुकी है। कोटा के पशुपालकों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। इससे बढ़कर के सौगात माननीय नगरीय विकास मंत्री जी हो नहीं सकती कि एक साथ जो शहर के विभिन्न हिस्सों में जो पशुपालक बसे हुए हैं और जिनकी स्थिति, खुद की आर्थिक स्थिति भी, रहने की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है। शहर भी इससे बुरी तरह से प्रभावित है। आए दिन दुर्घटनाएं होती है, जिन दुर्घटनाओं में से कई मौत के शिकार भी पिछले दिनों हुए हैं। उस स्थिति को देखते हुए पिछले दो साल पहले इस प्रकार का प्लान तैयार किया गया था और मैं समझता हूँ कि कोटा के लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी कल्पना और सपना थी कि इनका पशुपालकों से और आवारों से जो आए दिन दुर्घटनाएं उनसे मुक्ति मिली। वो दिन आ गया है। माननीय मंत्री महोदय ने जो उनकी आगे की विजिट है उसमें उन्होंने अपना कार्यक्रम प्रस्तावित कर दिया है। उस स्थिति को देखते हुए आज मैंने सोचा कि इसको विजिट कर लें, प्रशासनिक दृष्टि से और डेवलपमेंट की दृष्टि से क्या क्या कमियाँ हैं उनको देख लें। मोटे रूप में मैं समझता हूँ कि काफ़ी काम हो गया है। कुछ काम है जो 3-4 दिन में हम पूरे कर लेंगे और जैसे ही माननीय मंत्री जी महोदय 21-22 में से जो टाइम निर्धारित करेंगे उसके अनुसार इनको कब्जा पत्र देंगे और विधिवत रूप से कब्जा पत्र देंगे। उसी के साथ में पशुपालकों को वहाँ से शिफ्टिंग की कार्रवाई नगर विकास न्यास कोटा द्वारा प्रशासन के सहयोग से प्रारंभ कर दी जाएगी।